हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका आज के एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न ऑफ IIM CET 2023 के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और एंड तक देखोगे तभी आपको जो है वीडियोस का बेनिफिट उठा पाओगे। और वीडियो को मैं आगे देखने से पहले आप जो है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम जब भी आपके लिए ऐसे वीडियोस लेकर आए तो आपको उनकी नोटिफिकेशन जरूर मिले और आप जो है उन वीडियोस का बेनिफिट उठा पाए अच्छे से। अब चलिए हम बात करते हैं कि IIM CET का लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है। वीडियो को शॉर्ट एंड क्रिस्प रखेंगे टू द टॉपिक। तो पहली बात, ये डाउट आया क्यों है लोगों के मन में? पहली बात, क्योंकि जनरली जब लोग सिलेबस देख रहे हैं इंटरनेट पे, तो काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स जो है आप गूगल पे जाकर सर्च करते हैं IIM CET लेटेस्ट एग्जाम पेपर और एग्जाम पैटर्न, तो आप काफ़ी सारे जो आर्टिकल्स ट्रेंड कर रहे हैं गूगल पे, वो एक्चुअली में लिखे गए हैं इन 2016, 2017, 2018, उस टाइम के आर्टिकल जो है लोग कई बार पढ़ लेते हैं। और फिर अगर आप IIMU की वेबसाइट पर जाते हैं या कुछ और वेबसाइट्स पर जाते हैं, तो आपको जो है थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम पैटर्न आपको वहां पर देखने को मिलता है। तो लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं कि एक्चुअली में IIMU CET का एग्जाम पैटर्न है क्या। तो डिस्कस कर लेते हैं कि पहले IIMU CET का एग्जाम पैटर्न क्या था 2020 के पहले, और उसके बाद अभी IIMU CET का क्या एग्जाम पैटर्न है। तो पहले जो एग्जाम पैटर्न था उसमें 5 सब्जेक्ट हुआ करते थे, और अभी जो एग्जाम पैटर्न है उसमें भी सेम 5 सब्जेक्ट है। वो 5 सब्जेक्ट के नाम है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, और लास्ट जो सब्जेक्ट है वो है जनरल अवेयरनेस। अब जो सेपरेशन आ जाता है वो होता है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में, कि कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स के आते हैं। पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा था, 200 नंबर का पेपर तब भी आता था, 200 नंबर का पेपर अब भी आता है। 3 घंटे का समय तब भी होता था, 3 घंटे का समय अब भी होता है पेपर के लिए। लेकिन जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस आ चुका है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पहले कुछ इस तरीके से था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, इन तीनों सब्जेक्ट से जो है 50-50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते थे। जी हाँ, 50 मार्क्स के क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स, 50 फ्रॉम मैथ्स एंड 50 फ्रॉम केमिस्ट्री। और बाकी ये दो जो दो सब्जेक्ट थे जो कि इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस, उन दोनों में से 25-25 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते थे। तो इस तरीके से आपके 200 मार्क्स के 200 क्वेश्चन जो है वो पूरे हो गए। लेकिन अभी वो एग्जाम पैटर्न जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब जो न्यू एग्जाम पैटर्न है इसमें जो है केमिस्ट्री के ऊपर एम्फेसाइज जो है वो थोड़ा सा कम कर दिया है, और इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के ऊपर जो एम्फेसिस है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। तो अब एग्जाम पैटर्न जो है वो कुछ इस तरीके का दिखता है कि फिजिक्स से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैथ से अभी भी 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन दोनों के लिए जो है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। जो डिफरेंस आया है वो आया है बाकी के 3 सब्जेक्ट्स में। केमिस्ट्री का जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है वो 50 से हटाकर 20 पे कर दिया गया है। पहले 50 क्वेश्चन पूछे जाते थे केमिस्ट्री से 50 मार्क्स के, और अब जो है सिर्फ 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसका वेटेज भी जो है 20 मार्क्स ही होता है। और इंग्लिश का जो पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का, वो था 25 मार्क्स ईच, उसको बढ़ा करके 40 मार्क्स ईच कर दिया गया है। यानी पहले इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस से 25-25 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते थे, अब इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस से 40-40 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको वहां पर पूछे जाते हैं। तो ये जो है ये नया एग्जाम पैटर्न है। एक्चुअली में बहुत ज़्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं है, बस यही जो चीज़ है इसमें थोड़ा सा बदलाव आया है। और एक और चीज़ नई इंट्रोड्यूस हुई है कि पहले IIMU CET में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती थी, अब जो है नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस कर दी गई है। जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग ज़रूर है अब IIMU CET के पेपर में भी, और इस चीज का जो है आपको अच्छे से फायदा उठाना है। फायदा कैसे उठाना है कि आपको जो है जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उन पे बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है, उन पे बिल्कुल भी टिक नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने उन पे टिक किया तो आपके जो एक्चुअली में अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे दूसरे सही क्वेश्चंस में, उनमें से भी मार्क्स जो है डिडक्ट हो जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा जो है स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा अब। तो डिफरेंस बस यही आया है कि नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हो गई है, और उसी के साथ में जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से जो है बदल दिया गया है। न्यू लेटेस्ट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगेन मैं आपके लिए दोहरा देता हूँ। फिजिक्स से 50 मार्क्स के क्वेश्चंस, मैथ से 50 मार्क्स के क्वेश्चंस, केमिस्ट्री से 20 मार्क्स के क्वेश्चंस, और इंग्लिश से 40 मार्क्स के क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस से जो है 40 मार्क्स के क्वेश्चन। ये जो है लेटेस्ट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। और उसके अलावा अगर आपको और किसी भी तरीके के वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। अगर आपको IIMU CET से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, आपके पास टाइम नहीं है कि आप जो है NCERTs को अच्छे से प्रिपेयर करें,
तो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक है हमारी ई बुक की, आप उस ई बुक को जाकर जो है अच्छे से 3 से 4 बार पढ़ सकते हैं, और 3 से 4 बार अगर आपने खाली उस ई बुक को पढ़ लिया तो आपकी एक बहुत अच्छी रैंक आएगी IIM CET में, ये चीज़ जो है गारंटीड है। बस शर्त यह है कि आप जो है उस ई बुक को अच्छे से 3 से 4 बार गो थ्रू करें, अच्छे से जो है आप उसको रिवाइज करें। उसके अंदर 500 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं हर एक सब्जेक्ट के, इन पांचों सब्जेक्ट्स के, और उसी के साथ में उनके आंसर्स भी दिए गए हैं। तो अगर आप उसको बार बार आप जो है 2-3 बार आप उसको रिवाइज कर लेंगे तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, और आप जो है IIMU CET के एग्जाम में जो है आप और बेहतर जो है परफॉर्म कर पाएंगे वहां पर जाकर। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर देना, अगर आपको ई बुक की जरूरत हो तो फर्स्ट लिंक है डिस्क्रिप्शन में, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करके आप जो है ई बुक को ले सकते हैं। और चैनल अगर पसंद आया हो, हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि हम फ्यूचर में आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन उनकी मिलती रहेगी और आप जो है ज़्यादा बेनिफिट उठा पाएंगे उनका। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।